सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम ओप्पो के F19 प्रो प्लस 5G फ़ोन का कैमरा रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फ़ोन में आ रहा है मीडिया टेक 800 U5G 7 नैनोमीटर ऑक्टाकोर प्रोसेसर एंड फोन के बैक पे लगे हैं क्वाड कैमरा विद फ्लैश लाइट। फर्स्ट कैमरा सपोर्ट करता है 48 मेगापिक्सल अपार्चर 1.7। सेकंड कैमरा सपोर्ट करता है 8 मेगापिक्सल अपार्चर 2.2। थर्ड कैमरा सपोर्ट करता है 2 मेगापिक्सल अपार्चर 2.4 एंड फोर्थ कैमरा सपोर्ट करता है 2 मेगापिक्सल अपार्चर 2.4। दोस्तों, फ़ोन के फ्रंट पे लगा है सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल अपार्चर 2.0। अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो रियर कैमरा पे 4K एट 30 फ्रेम्स एंड फुल HD मीन्स 1080 पिक्सल एट 30, 60 एंड 120 फ्रेम्स पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट कैमरा के साथ 1080 पिक्सल्स एट 30 फ्रेम्स पे रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों, अभी हम करने वाले हैं फ़ोन का कैमरा रिव्यू। दोस्तों, पहले हम रियर कैमरा मोड को यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ रियर कैमरा मोड में। जैसे हम यहाँ रियर कैमरा मोड में फ़ोन को स्विच करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलने हैं नाइट मोड। नाइट मोड में आप 10x तक का जूम ले सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैं 10x तक आपको जूम शो कर रहा हूँ। 10x जूम के साथ आप यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे एक पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। दोस्तों, ये नाइट मोड में होने की वजह से ये पिक्चर आपकी क्वालिटी यहाँ पे अच्छी नहीं दिखेगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल रही है वीडियो मोड। वीडियो मोड में भी आप इसी टाइप से 10x तक का जूम ले सकते हो। 10x के जूम के साथ आप यहाँ पे तो अभी यहाँ पे मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। वीडियो पिक्चर्स नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रही है फ़ोटो मोड की। फ़ोटो मोड में अगर HDR इनेबल्ड है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक HDR की ऑप्शन शो होगी। दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं 1x के साथ एक पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ और एक पिक्चर हम क्लिक करेंगे 10x जूम के साथ, और यहाँ पे मैं एक 10x जूम के साथ भी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ। अब हम दोनों पिक्चर्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे 10x के साथ एंड दूसरी पिक्चर हमने यहाँ पे 1x के साथ क्लिक किया है। दोस्तों, नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलती है पोर्ट्रेट मोड की। पोर्ट्रेट मोड में आप लाइटिंग को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। करता है ये। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल रही है मोर की। मोर के अंडर मिल रही है टाइम लैप्स की ऑप्शन, आप टाइम सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल रही है पैनो मीन्स पैनोरामा, आप पैनोरामा यहाँ पे शूट कर सकते हो अगर आप पैनोरामा शूट करना चाहते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल रही है स्टिकर्स की। दोस्तों, अगर आप स्टिकर्स को साथ में यूज़ करना चाहते हो तो आप स्टिकर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है उसके बाद आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल रही है स्लो मोशन की, आप यहाँ पे स्लो मोशन के में भी वीडियोज़ को शूट कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैं स्लो मोशन में एक क्लिप को शूट कर रहा हूँ। अभी हम इस स्लो मोशन को प्ले करके देखते हैं। दोस्तों, स्लो मोशन का हमें यहाँ पे अच्छा इफेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही है एक्स्ट्रा HD की। अगर आप एक्स्ट्रा HD की ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा HD की ऑप्शन को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, अभी हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा HD में पिक्चर क्लिक करी है जिसकी क्वालिटी बहुत ही इम्प्रेसिव है। तो हमें यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी मिली है एक्स्ट्रा HD में। और उसके बाद हमें यहाँ पे शो हो रहा है मैक्रो। मैक्रो मोड को भी आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं मैक्रो मोड के अंडर एक पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इस पिक्चर को मैंने मैक्रो मोड के अंडर क्लिक किया है, लेकिन मैक्रो मोड के लिए अब अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट कोई डिफरेंट टाइप का होना चाहिए, जैसे कोई टेक्स्ट राइट किया वो उसको आप मैक्रो मोड में है ना, कोई फ्लावर्स है ना,
तो उसमें जो डीपली देखेगा वो आपको मैक्रो मोड के अंडर शो होगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल लिया ड्यूल वीडियो मोड की। दोस्तों ये ऑप्शन मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसमें हम टू ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे साथ में जब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करूँगा तो यहाँ साथ में यहाँ पे सेल्फी की रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, इसको आप कहीं पे भी मूव करवा सकते हो। एंड अगर आप रियर कैमरा का जूम यूज़ करना चाहते हो तो जूम भी यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं इस क्लिप को हम यहाँ पे प्ले करते हैं, क्लिप शूट कर रहा हूँ। दोस्तों ड्यूल ऑप्शन को मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। अगर आप डबल क्लिक करते हो तो आप स्विच कर जाओगे सेल्फी मोड में, सेल्फी मोड की जो पिक्चर है वो आपको बिगर साइज में शो होगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिलता है प्रो एक्सपोर्ट मोड। एक्सपोर्ट मोड में आपको ISO की ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन हैं जिनको आप मैनुअली यूज़ कर सकते हो एक्सपोर्ट मोड के अंडर। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही है टेक्स्ट स्कैनर की। अगर आप टेक्स्ट स्कैनर को यूज़ करना चाहते हो तो आपको डिफरेंटली टेक्स्ट स्कैनर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा अपने फ़ोन में। दोस्तों अभी यहाँ पे मैं सेल्फी कैमरा में स्विच कर रहा हूँ। सेल्फी कैमरा में सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस मिलती हैं फिल्टर्स की। अगर आप कोई फिल्टर को यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके फ़िल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लॉट ऑफ फिल्टर्स अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी फिल्टर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैं इस फिल्टर के साथ एक सेल्फी क्लिक कर रहा हूँ, और दोस्तों सेल्फी कैमरा की क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। दोस्तों पोर्ट्रेट मोड में मैंने यहाँ पे एक सेल्फी क्लिक की है सनलाइट के अंडर, और हमें यहाँ पे मिलती है नाइट मोड की ऑप्शंस, वीडियो मोड एंड फोटो मोड। फोटो मोड में आप ब्यूटी को भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे स्मूथ, टाइमर फेस, बिग आइज, स्मॉलर नोज, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चिन। तो अगर आप इन ऑप्शंस को यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मिल रहा है हमें पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड में हम ऑलरेडी पिक्चर को क्लिक कर चुके हैं, उसके बाद मोर पे हम पैनोरामा को शूट कर सकते हैं। टाइम लैप्स के अंडर हम टाइम को यूज़ कर सकते हैं, सेल्फी टाइम को। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पे फिर से मिलता है ड्यूल मोड। ड्यूल मोड को हम जैसे हमने पहले बैकग्राउंड के साथ यूज़ किया था, अगर आप ड्यूल मोड से एग्जिट करना चाहते हो तो आप क्रॉस पे क्लिक करके ड्यूल मोड से एग्जिट कर सकते हो। दोस्तों अभी यहाँ पे मैं कुछ कैमरा क्लिक्स डाल रहा हूँ जिसकी बेस पे आपने चेक करना है फ़ोन की कैमरा क्वालिटी को। एंड अभी आपने डिसाइड करना है कि आपको कैमरा की क्वालिटी कैसी लगी, एंड कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आपको मेरी वीडियो एंड इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।